सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भयवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवा अथा है वार पार नैमज्जतम। ग्रीब जो सुमरह सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋदि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। तेतीस कोटि अधारा धावे शेष अठासी उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। तेतीस कोटि अधारा द्यावें सैसे अठासी उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुता हूं गुरुदेव का रामपाल दास का नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सोखूं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिल लेंगे पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने
मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद तिनके हृदय न सम। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे, भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समर। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाह। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज हज का अब सूजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से, सतलोक से चलकर आए थे और वहाँ सन 1398 में संवत 1455 परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर लीला करते हुए बड़े हुए, बचपन से ही छोटी आयु में 5 वर्ष की आयु में ही वो परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे उसको पूरा किया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपका मनुष्य जन्म और इस समय में है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये वो समय है इस प्राणी को करोड़ों युगों के बाद प्राप्त होता है जो आज आपको प्राप्त है। अभी आप बालक हो और हमारे अंदर इस काल ने अज्ञान घना भरवा रखा है, एक दो दिन से नहीं हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से वही लोक वेद हमारे अंदर जमा है। उसके आधार से हम इस तत्व ज्ञान को जल्दी सी समझ नहीं पाते और इतने ही देर लगी हुई है जब तक ये समझ में नहीं आता। फिर तो आपको कबीर भगवान बिना और इस सतलोक आश्रम बर वाला बिना पृथ्वी पर आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर्मा लेना, जैसे पर अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी, हमारे लिए संदेश है। जब आपको ये अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगा,
ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उसमें आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे समुद्र के अंदर पुराने समय में, अब भी ऐसा ही होता है वैसे, पुराने समय में विशेषकर ये समुद्री जहाज जो जाते थे इनके ऊपर कौवे बैठकर चले जाते थे। वो इसलिए कि उसमें यात्री खाना खाते हैं तो उनको भी कोई टूक मिल जाता है, ग्रास मिल जाता है। जहाज दिन में चल पड़ा, कौवे उसके ऊपर बैठे चले जाते हैं, रात्रि सारी रात्रि चल करके सुबह होता है, तो उसमें जहाज के जो चालक होते थे वो अपनी दिशा को देखने के लिए एक दिशा सूचक रखते थे, और कई बार वो दिशा सूचक यंत्र किसी मैग्नेटिक रॉक के कारण, चुंबकीय चट्टान की वजह से वो अपना रुख बदल लेता था, दिशा बदल लेता था, वो रोंग दिशा बताता था। अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए वो के फार्मूला अपनाया करते, जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मार दिया करते, उसको ऐसे पत्थर मारते, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है मालिक ने, वो रात्रि के समय भी उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। यदि पूर्व दिशा से चले हैं तो वो पूर्व दिशा को भूलेगा नहीं रात को भी, उसमें एक ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो वो कौवा जब उड़ता है वो अपने उसी दिशा को उड़ता है, अपने उसी स्थान को जहां से वो चले थे। तो इससे वो जहाज के चालक अपना इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर लेते, अपनी दिशा को भी सेट कर लेते कि कौवा इधर गया है तो ये पूर्व दिशा है। अब वो कौवा क्या करता था, वो थोड़ी सी दूर जाता, ज्यादा से ज्यादा 100-200 फुट, और वो क्या देखता कि कहीं भी उसको बैठने का ठिकाना नहीं, सब जगह जल ही जल है। मुड़ के वो आखिर में उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। अब उसको उस जहाज के अतिरिक्त उस समुद्र में और कोई ठिकाना नहीं नजर आ रहा जिससे वो डूबने से बच जावे। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं बैठता है तो वो डूब ही जाएगा। तो इससे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों जब तुम मुझे समझ जाओगे, इस काल की स्थिति से तुम परिचित हो जाओगे, उस समय आपकी स्थिति ऐसी होगी कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सुजत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के बिना और इस सच्चे नाम और ज्ञान के बिना आपको कोई भी संत महंत जो दिखेगा वो डुबोन वाला दिखेगा, वहां आपकी आशा बन ही नहीं सकती, वहां इच्छा ही नहीं बन सकती। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपकी किस्मत पर कलम तोड़ रखी है। भले ही आप परमात्मा की शरण में आने से पहले कितने दुखी हो लिए, क्योंकि सुख अपना ही दिया करते हैं, अपना पिता अपने माता वही हमें सुख देते हैं।